हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का जो वीडियो है ना, ये कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में आप लोगों को मैं डिस्कस कराने वाली हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्ज़ाम्स के लिए। एंड प्रोजेक्ट्स तो बहुत है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, फर्स्ट से लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दैट मीन्स जो रितुस एजुकेशन चैनल है मेरा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि मैंने शॉर्ट्स मैंने एमसीक्यूज़ या कुछ टॉपिक को डिस्कस किया है शॉर्ट्स में, और वीडियोस है कुछ। तो आप प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्पेशली प्रोजेक्ट्स के बारे में तो पढ़ेंगे ही, और जो जो प्रोजेक्ट्स इंडिया में हुए हैं, कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने लाई हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। सिविल का पकड़ लो, एसएससी का पकड़ लो, जितना भी एग्ज़ाम है ना, तो ये प्रोजेक्ट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने जो प्रोजेक्ट लिया है ये है रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। तो रिवर क्या है वो तो आप लोगों को पता ही है, नदी, जलाशय या कुछ भी पकड़ लो, रिवर तो रिवर ही होता है। एंड इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, इंटरलिंकिंग का मतलब क्या है? इंटरलिंकिंग का मतलब है स्पेशली जोड़ना, ठीक है, रिवर्स को जोड़ना। ये प्रोजेक्ट का महत्व ही है रिवर्स को जोड़ना। अब रिवर्स को जोड़ के क्या करेगा इस प्रोजेक्ट में, तो फिर देखिए, द इंडियन रिवर्स, इंडिया का जितना भी रिवर है, इन द इंडियन रिवर्स इंटरलिंकिंग इंटरलिंक इज ए प्रपोज्ड लार्ज स्केल सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। ये बहुत ही एक बड़ा प्रोजेक्ट है, सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है, दैट एम्स टू, इसका एम क्या है, एम्स टू इलेक्टिवली मैनेज वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया बाय लिंकिंग इंडियन रिवर्स, ठीक है। इंडिया का जितना भी रिवर्स है उसको क्या करेगा, लिंक करेगा, लिंक दैट मीन्स जोड़ कर। इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का मतलब ही है जोड़ना, रिवर्स के बीच में रिवर्स को जोड़ेगा, लाइक दैट। ये एक रिवर आ गया, एक रिवर आ गया, तो इन दोनों रिवर में एक कुछ भी है, या आप पकड़ लो ये सड़क ही है, ये छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है। ये एक रिवर आ गया, ये एक रिवर आ गया, ये एक मिडिल में एक सड़क है। तो इस प्रोजेक्ट में क्या है, रिवर्स को जोड़ना, ठीक है। अगर सड़क के नीचे से कुछ, या ये सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है, अगर इंजीनियरिंग के हिसाब से ही होगा, तो रिवर्स को जोड़ना इस प्रोजेक्ट का मेन एम है। इलेक्टिवली मैनेज वाटर रिसोर्सेस इन इंडिया बाय लिंकिंग इंडियन रिवर्स बाय ए नेटवर्क ऑफ रिजर्वर्स एंड कैनल्स, जलाशय या कैनल्स, टू एनहेंस इरिगेशन एंड ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर का मतलब क्या है, जो वाटर धरती के नीचे है, जहाँ पे हम रहते हैं ना, उसके नीचे भी वाटर है, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज रिड्यूस और इसके हिसाब से क्या होगा, रिड्यूस पर्सिस्टेंट फ्लड्स, दैट मीन्स व्हाट, अब फ्लड बड़े बड़े शहरों में क्या होता है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अगर बारिश हो जाए तो फिर सड़क में भी फ्लड आ जाता है। क्यों होता है ये, जो बोलते हैं जी कृत्रिम बाढ़ जो आता है, ठीक है, इन सम पार्ट्स एंड वाटर शॉर्टेजेस इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। और इंडिया का इतना और भी कुछ कुछ पार्ट है जहाँ पे वाटर शॉर्टेज होता है, वाटर नहीं मिलता है, वाटर का संख्या बहुत ही कम है, पानी की संख्या, तो वो ठीक करने के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया है, और स्पेशली रिड्यूस करेगा पर्सिस्टेंट फ्लड्स, जब कभी जब तब बाढ़ आ जाता है, तो इसको बंद करने के लिए ये मेन एक प्रोजेक्ट लिया है, और जिसका नाम है रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द इंटरलिंक प्रोजेक्ट हैज बीन स्प्लिट इंटू थ्री पार्ट्स, इसको तीन पार्ट में बांटा गया है। द ए नॉर्दर्न हिमालयन रिवर्स इंटरलिंक कॉम्पोनेंट, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ए साउदर्न पेनिनसुलर कॉम्पोनेंट एंड स्टार्टिंग इन 2005 एंड इंटरेस्टेड रिवर्स लिंकिंग कॉम्पोनेंट, ये हो गया थ्री पार्ट्स ऑफ इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट इन रिवर्स।
तो ये मैनेज कौन करेगा? मैनेज्ड बाय इंडियाज नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इंडिया का जो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी है, एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये क्या करेगा? ये जो प्रोजेक्ट है रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, इसको क्या मैनेज करेगा? ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आ गया, केन बेटवा, ये क्या है? ये एक रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का ही एक पार्ट है, केन बेटवा। तो ये क्या है? फर्स्ट रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, रिवर इंटरलिंकिंग का जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है उसका नाम है केन बेटवा, KENBETWA। ठीक है, इट वॉज गिवेन द यूनियन कैबिनेट्स अप्रूवल इन जुलाई 2014 में ये अप्रूवल हो गया, बट वॉज स्टॉल्ड बिकॉज ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम एनवायरमेंटलिस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनलिस्ट। तो ये केन बेटवा जो प्रोजेक्ट है, ये अप्रूवल कब हुआ था? 2014 में ही हो गया था, लेकिन इसको प्रोटेस्ट किया एनवायरमेंटलिस्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रोजेक्ट प्रपोज टू ट्रांसफर एक्सेस वाटर फ्रॉम द रिवर केन जो रिवर है उससे क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा एक्सेस वाटर को टू द बेटवा बेसिन थ्रू द यूज ऑफ कॉन्क्रीट कैनल। ओके, द प्रोजेक्ट एम्स टू प्रोवाइड इरिगेशन टू द बुंदेलखंड रीजन व्हिच इज वन ऑफ द वर्स्ट ड्रॉट्स। तो यहां से पानी लेके यहां तक आएगा। Nearly 8,650 hectares of forest land, including part of Panna National Park in Madhya Pradesh, will be submerged. It will have adverse impact on tiger reserves and wildlife sanctuaries in the region affected areas in India. तो ये पूरा जो पॉइंट है ना, ये केन बेटवा प्रोजेक्ट है, जो फर्स्ट प्रोजेक्ट इन इंटरलिंकिंग इन रिवर प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, लोअर सोवनसिरी हाइडल प्रोजेक्ट। सोवनसिरी नाम जो है, सोवनसिरी एक रिवर का नाम है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, 2000 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ये क्या है? 2000 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ये, लोअर सोवनसिरी हाइडल प्रोजेक्ट, बिल्ट ऑन द सोवनसिरी रिवर। यह कहाँ पे बिल्ट होगा? सोवनसिरी रिवर के ऊपर, बिल्ट ऑन द सोवनसिरी रिवर, ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। सोवनसिरी रिवर क्या है? ट्रिब्यूटरी रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर का। ऑन द बॉर्डर ऑफ असम के बॉर्डर एंड अरुणाचल प्रदेश, असम के बॉर्डर और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर, विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक फैसिलिटीज इन इंडिया। तो ये कहाँ पे है? ये तो असम में है, और ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी में है? ये ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी में इंक्लूडेड है। एरिया इन व्हिच डैम इज लोकेटेड वल्नरेबल और टू फ्लड एंड अर्थक्वेक, ग्लोफ का मतलब क्या है? ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है, सिंस द 1900s इट वॉज नोटेड दैट 34 अर्थक्वेक्स हैव ओकर्ड इन दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट। थर्ड नंबर जो प्रोजेक्ट है वो देखिए, नमामि गंगे प्रोग्राम। तो गंगे प्रोग्राम जो दिया है प्रोजेक्ट का नाम, गंगे दैट मीन्स इसको, ये रेफर करता है गंगा रिवर को। ठीक है, लॉन्च्ड इन 2014 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोग्राम आर द एबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन एंड रिजुवेनेशन ऑफ द नेशनल रिवर गंगा। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ऑफ द प्रोग्राम, ये प्रोजेक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या करेगा? एबेटमेंट ऑफ द पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन एंड रिजुवेनेशन ऑफ द नेशनल रिवर गंगा। द मेन अचीवमेंट्स आर, इसका मेन अचीवमेंट्स क्या है? कलेक्शन ऑफ फ्लोटिंग सॉलिड वास्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ घाट्स एंड रिवर्स। गंगा रिवर में क्या हो रहा है? अब गंदगी बहुत फैल गई है, तो कलेक्शन क्या करेगा? कलेक्शन ऑफ फ्लोटिंग सॉलिड वास्ट, जो वस्ट इज थिंग्स है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ घाट्स एंड रिवर्स, उसको क्या करेगा? कलेक्ट करेगा और रिवर को साफ करने के लिए। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड गंगा रिजुवनेशन,
क्रिएशन ऑफ सीवरेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स इन ग्राम पंचायत्स ऑफ फाइव गंगा बेसिन स्टेट्स. फाइव गंगा बेसिन स्टेट्स एक पांच स्टेट्स को लिया जो गंगा बेसिन के ऊपर है, और वो स्टेट में ग्राम पंचायत जो है तो ग्राम पंचायत के थ्रू कंस्ट्रक्ट करेगा कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स, टॉयलेट्स को बनाने के लिए. नेक्स्ट अराउंड 147 प्रोजेक्ट्स अंडर दिस प्रोग्राम, अंडर दिस प्रोग्राम दैट मीन्स नमामि गंगे प्रोग्राम के अंडर में, अंडर दिस प्रोग्राम हैव बीन कंप्लीटेड. 147 प्रोजेक्ट ऑलरेडी हैव बीन कंप्लीटेड. द प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG, दैट मीन्स नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा. गंगा रिवर को क्लीन करने का इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन एम है. एट द नेशनल लेवल एंड द स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप्स SPMGs और एट द स्टेट लेवल, नेशनल लेवल का जो है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, एंड द स्टेट लेवल में जो है उसको बोलेंगे स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप्स, दैट मीन्स SPMGs एट द स्टेट लेवल. ठीक है. नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो है बूढ़ी दिहिंग. तो बूढ़ी दिहिंग क्या है? बूढ़ी दिहिंग भी एक रिवर ही है जो एक ट्रिब्यूटरी रिवर है, और जो ब्रह्मपुत्र रिवर के ट्रिब्यूटरी रिवर है, एक लार्ज रिवर. ठीक है. बूढ़ी दिहिंग इज ए लार्ज ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर इन अपर असम. तो बूढ़ी दिहिंग इन ईस्टर्न असम, असम का ईस्टर्न पार्ट में बूढ़ी दिहिंग इन डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है. विटनेस्ड फायर इन 2020 फॉलोइंग द स्पिलेज ऑफ क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल दैट मीन्स कच्चे तेल. ठीक है. क्रूड ऑयल व्हिच वाज बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू डिगबोई रिफाइनरी. तो स्पिलेज ऑफ क्रूड ऑयल व्हिच वाज, कच्चे तेल का रिसाव जो है उसको क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, ट्रांसपोर्टेड टू डिगबोई रिफाइनरी. डिगबोई रिफाइनरी में ट्रांसपोर्ट करेगा इस प्रोजेक्ट के थ्रू. ठीक है. डिगबोई रिफाइनरी क्या है? फर्स्ट रिफाइनरी इन एशिया. ठीक है. वो कहाँ पे है? डिगबोई में है, असम में. और डिगबोई जो जो जगह है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में? असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में है, ये आप याद रख लीजिएगा. ठीक है. कभी ये भी क्वेश्चन दे सकता है कि जब फर्स्ट रिफाइनरी जो है उसका नाम तो डिगबोई है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन फर्स्ट रिफाइनरी जो है डिगबोई, तो उसका मतलब जिले का नाम क्या है, डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, तो वो है तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, नेशनल बेम्बो मिशन. तो बेम्बो तो सबको पता ही है, बेम्बो क्या है? तो ये प्रोजेक्ट का नाम है नेशनल बेम्बो मिशन. विद अ व्यू ऑफ हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ बेम्बो क्रॉप, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉरपोरेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DSA, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉरपोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इज इम्प्लीमेंटिंग 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कॉल्ड मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर MIDH, इन विच नेशनल बेम्बो मिशन NBM इज बींग इम्प्लीमेंटेड एज ए सब स्कीम इन 2006 to 2007. ठीक है. द मिशन एनविजेक्स प्रोमोटिंग होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ बेम्बो सेक्टर बाय अडॉप्टिंग एरिया बेस्ड. बेम्बो जो ट्री है, क्रॉप है, जो क्रॉप है उसको मतलब कैसे ग्रोथ किया जाए, रीजनली डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटेजी एंड टू इंक्रीज द एरिया अंडर बेम्बो कल्टिवेशन. बेम्बो कल्टिवेशन को बढ़ाने के लिए ये प्रोजेक्ट लिया गया है, बेम्बो कल्टिवेशन एंड मार्केटिंग. Under this mission, under the mission, steps have been taken to increase the availability of quality planting material by supporting the setting up of the new nurseries and strengthening of existing ones. To address forward integration, the mission is taking steps to strengthen marketing of bamboo products, especially those of handicraft items. तो बेम्बो से क्या होता है, बेम्बो से बहुत कुछ है, क्या बोलूँ मैं, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स भी बनाया जा सकता है. तो इसको बढ़ाने के लिए, इसके ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इसका कल्टीवेशन बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये प्रोजेक्ट लिया गया है. और प्रोजेक्ट का नाम ही है नेशनल बेम्बो मिशन, और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, NBM बोलते हैं. ठीक है. ये आप याद रख लीजिएगा. और ये एक सब स्कीम है, कब लिया गया था, 2006 to 2007.
नेक्स्ट जो मिशन है उस मिशन का नाम है जल जीवन मिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉन्च्ड इन अगस्त 2019 में ये लॉन्च हुआ था जल जीवन मिशन। दिस मिशन एनविजिक्स ए सप्लाई ऑफ 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे, पर पर्सन पर डे, ठीक है, टू एवरी रूरल हाउस होल्ड थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन बाय 2024। टैप कनेक्शन करना पड़ेगा 2024 तक, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड दिया हुआ है 2024। द मिशन एनविजिक्स अ सप्लाई ऑफ 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे। इसका मिशन का मेन एम है लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर जो है, बारिश का जो पानी है, उसको हार्वेस्ट करने के लिए ग्राउंड वाटर रिजर्व्स, ग्राउंड वाटर जो धरती के नीचे का पानी है, जो ग्राउंड वाटर रिजर्व्स एंड मैनेजमेंट एंड हाउस होल्ड वेस्ट वाटर फॉर रीयूज। वाटर को कैसे रीयूज करें हम। इट इज ए कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच टू वाटर एंड इंक्लूड्स एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एज की कंपोनेंट्स ऑफ द मिशन, ठीक है। तो इस मिशन का मेन एम ही है लोगों तक पानी पहुंचाना। और सप्लाई कितना करेंगे, 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन, प्रत्येक लोगों के लिए 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे ऑफ रूरल हाउस होल्ड, ठीक है। और टैप कनेक्शन सब घरों में टैप कनेक्शन होगा बाय 2024 के अंदर, ठीक है। प्रोजेक्ट बोल्ड, तो ये क्या प्रोजेक्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इंट्रोड्यूस्ड प्रोजेक्ट बोल्ड व्हिच इज शॉर्ट फॉर बेम्बोसिस एंड लैंड्स फ्रॉम निचला मंडवा ए स्मॉल विलेज इन उदयपुर राजस्थान। निचला मंडवा एक स्मॉल विलेज है और ये कहाँ पर है, उदयपुर में है, राजस्थान के। द इनिशिएटिव वॉज लॉन्च अंडर KVICS, दैट मीन्स द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन खाकी बेम्बो फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग इट्स 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इन द नेम ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव। जो 75 ईयर्स का जो इंडिपेंडेंस डे है उसका इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी तरह से क्या बोलो सेलिब्रेट किया था और उसका नाम भी दिया था आजादी का अमृत महोत्सव। ये तो आप सभी को पता ही है। तो प्रोजेक्ट बोल्ड मेनली इसका एम है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने ये प्रोजेक्ट बोल्ड किया है। तो शॉर्ट फॉर बेम्बो ओएसिस ऑन लैंड्स ऑफ, अब हम इसका ऑब्जेक्टिव, इसका एम्स हम देखेंगे क्या है। नेक्स्ट, दिस प्रोजेक्ट वॉज क्रिएटेड बाई KVIC एंड लॉन्च्ड बाई द BSF इन जैसलमर टू प्रिवेंट डिजर्टिफिकेशन एंड सपोर्ट रूरल इकोनॉमिक्स। अप्रोक्सीमेटली 1000 बेम्बो सीडलिंग्स हैव बीन प्लांटेड अंडर दिस प्रोजेक्ट एंड द प्रोजेक्ट नेम इज प्रोजेक्ट बोल्ड। 1000 बेम्बो सीडलिंग्स हैव बीन प्लांटेड। The objective and the project, the objective of Project Bold is to create bamboo based green spaces in dry and semi arid land, reducing desertification and providing livelihood and interdisciplinary support to rural industries. इसका main aim ही है bamboos का जो cultivation है, bamboos का जो growth है उसको बढ़ाना, bamboo cultivate करना, इसका main aim है। तभी क्या होगा, ड्राई एरिया जो है, ड्राई लैंड जो है वो भरेगा, वो हरा दिखेगा, वो मतलब क्या एनवायरनमेंट के हिसाब से ये प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम वायु जो है, वायु को क्लीन करने का ये प्रोग्राम, ये प्रोजेक्ट है। तो लॉन्च्ड इन जनवरी 2019 में लॉन्च हुआ था। एम इज टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए बाय एटलीस्ट 20-30% इन द नेक्स्ट फाइव ईयर्स तक 20-30% एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करेगा विद 2017 एज इट्स बेस ईयर। 2017 से स्टार्ट हुआ, इसका बेस ईयर है। दिस मिशन ऑल्सो एम्स एट रिड्यूसिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ कोस PM10 and fine particles in PM2.5 by at least 20% by 2024 तक 20% less करेगा। और इसका main aim है air pollution को घटाना और air को clean करना।
सो की अचीवमेंट्स आर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान. मेन तो सिटीज में ही होता है ना एयर पोल्यूशन, विलेज में तो इतना एयर पोल्यूशन नहीं होता है. तो इम्प्लीमेंट करेगा ऑफ द सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान्स, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स इन स्मार्ट सिटीज. एंड द थर्ड पॉइंट इज, थर्ड अचीवमेंट इज शिफ्ट टू सीएनजी व्हीकल्स. सीएनजी व्हीकल्स को शिफ्ट टू सीएनजी व्हीकल्स. तो यही है नेशनल एयर, सॉरी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसका ये बेस ईयर 2017 से स्टार्ट हो गया, लेकिन खत्म कब होगा? बाय एटलीस्ट 20% बाय 2024. इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. 2024 मेंशन किया है, अब क्या चल रहा है 2023, और एक ईयर और वन ईयर बाकी है. तो फिर ये प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही. अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब प्लीज़. ठीक है, सो विद दैट थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.